चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में बीजेपी, 17 विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 विधानसभा सीटों पर होना है मतदान, 2017 में 58 में से 53। बीजेपी में उत्तर प्रदेश उम्मीदवारों के नामों को लेकर के दिल्ली में दूसरे दिन भी मंथन, सीएम योगी करेंगे अमित शाह के साथ बैठक, उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अमित शाह ने मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मैराथन बैठक की, करीब 10 घंटे तक चली बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 170 सीटों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, बीएल संतोष, सीएम योगी हुए शामिल, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला, बीजेपी पर उपेक्षा करने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा पार्टी में मेरी बात सुनी नहीं गई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चर्चा करके फैसला करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी सांसद बेटी संगमित्रा का दावा, बोली मेरे पिता अभी किसी पार्टी में नहीं हुए शामिल, 2 दिन बाद बताएंगे आगे की रणनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 3 और विधायकों ने दिया इस्तीफा, अखिलेश ने कहा 2022 में सकारात्मक राजनीति का मेला हो गए। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोली स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य, इस तरह की फोटो पहले भी सामने आ चुकी है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर बोले केशव मौर्य, फिर से अपने फैसले पर विचार करें स्वामी प्रसाद, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य, सूत्रों के हवाले से खबर, 10 विधायक 2 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच ओपी राजभर का बड़ा बयान, का बीजेपी का विकेट गिरना शुरू, आगे आगे देखिए कतार लंबी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ के बीच एनडीए के सहयोगी अपना दल ने उठाई आवाज, बीजेपी से कहा आत्मसम्मान से ना हो खिलवाड़, अमित शाह से दखल देने की मांग। हिंदुस्तान पर बीजेपी के बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति का ऐलान, का अब वापस जाने का कोई सवाल नहीं, तीर धनुष से निकल चुका है। बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने कहा विधायकों को आ रहा है सुनील बंसल और स्वतंत्र देव का फोन, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम बीजेपी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के बागी विधायक विनय शाके ने बेटी के आरोपों को बताया निराधार, का शुरू से ही संरक्षक रहे स्वामी जी, भाई साहब जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। सुरक्षित है औरैया विधायक विनय शाके, पुलिस का दावा घर में मौजूद है विधायक विनय शाके, अपहरण का आरोप गलत और निराधार। विनय शाके के एसपी में शामिल होने पर बेटी रिया ने उठाया सवाल, चाचा पर लगाया था पिता को एसपी में जबरन शामिल कराने का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी का बड़ा बयान, मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूं, नाराज विधायकों से संगठन करेगा बात। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज, बोले अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये वो नेता है जिनका काम सिर्फ दल बदलने का है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उत्तर प्रदेश के मंत्री लाखन सिंह का हमला, का जो बीएसपी और बीजेपी के नहीं हुए वो एसपी का क्या हो पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुशीनगर में मनाया जश्न, कहा मौर्य के रहते घुटन महसूस कर रहे थे। जी हिंदुस्तान पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के 10 और मंत्री एसपी में होंगे शामिल, इन लोगों से चल रही है मेरी बातचीत। ओम प्रकाश राजभर ने कहा बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ अगर एक भी सीट नहीं देंगे तो भी एसपी के साथ रहूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार सिर्फ ठाकुरों की है, मुख्तार के घर बुलडोजर चलाता है, विजय मिश्रा के घर चलता है, लेकिन किसी ठाकुर के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, ट्विटर पर जारी किया वीडियो सॉन्ग, लिखा घोटालों की सरकार वो गुंडा राज नहीं भूले, हम भूल गए हर बात, सपा तेरा काला राज नहीं भूले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर निशाना, का 400 सीट का दावा करने वाले 100 सीट के नीचे रह जाएंगे। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, एसपी प्रत्याशियों की 1-2 दिन में आ सकती है पहली सूची, करीब 50 प्रत्याशियों की सूची तय है। पहले चरण और दूसरे चरण में रालोद को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद, कई सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे एसपी उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ मिलकर खेला कर सकती है ममता बनर्जी, एसपी को समर्थन दे सकती है टीएमसी, दोनों के बीच बातचीत की खबर।
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर के बनी सहमति। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा, अब हमारा सीटों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं, अब हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान, प्रियंका गांधी के नारे, लड़की हूं लड़ सकती हूं के टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। सूत्रों के माने तो बीजेपी शासन में रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदार भी इसमें शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने किया ऐलान। मथुरा में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्रिकेट में आजमाया हाथ का, योगी सरकार का मथुरा के लिए मेगा प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसीपी, शरद पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना की भी हुई एंट्री, उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह का ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन, हम अकेले सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रशासन अलर्ट, अर्धसैनिक बलों ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, रायबरेली के एसपी भी फ्लैग मार्च में रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कहा पंजाब में अगले हफ्ते करेंगे सीएम उम्मीदवार का ऐलान, कानून व्यवस्था को करेंगे बेहतर। केजरीवाल का पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना, कहा चन्नी से नहीं संभल रहा पंजाब, हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे बड़े बदलाव। दो दिन के पंजाब दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना, कहा पंजाब को बड़े फैसले लेने वाला सीएम चाहिए जिसके पास पंजाब की चुनौतियों का समाधान हो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस हाईकमान नहीं, पंजाब की जनता तय करेगी। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने सिद्धू के पंजाब मॉडल पर साधा निशाना, कहा सिद्धू का पंजाब मॉडल फ्लॉप मॉडल है।